जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस समय हम हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आप सभी को बता दें कि इंडियन आर्मी की तरफ से अग्निपथ स्कीम के तहत होने वाली अग्निवीरों की भर्ती की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर इंडियन आर्मी की अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस समय हम हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और अग्निवीर नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है, और इस भर्ती से संबंधित जो भी मेन मेन पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए आप अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में इस भर्ती से संबंधित जो जो मेन पॉइंट हैं वो हम आपको सब बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, तो आपके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है। पहले की तरह ही दोस्तों इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पे लॉगिन करके आपके लिए अपने जो है वो रजिस्ट्रेशन करने हैं। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स टू लॉग इन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, ये वेबसाइट का नाम दिया गया है। रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन फ्रॉम जुलाई, तो ये जो भर्ती है दोस्तों जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, मतलब आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो जुलाई में किसी भी तारीख से स्टार्ट हो सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है दोस्तों वो तारीख नहीं दी गई है कि कितनी जुलाई से आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जुलाई दी गई है, जैसे ही इससे संबंधित कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। जुलाई 2022 ऑनवर्ड बाय रिस्पेक्टेड एआरओस फॉर अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर एविएशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क, स्टोरकीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास एंड अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास एज पर दी एआरओ रैली शेड्यूल। ठीक है, तो इतने पदों के लिए दोस्तों क्लर्क, ट्रेडमैन 10th पास, ट्रेडमैन 8th पास, अग्निवीर क्लर्क, उसके बाद में आपका टेक्निकल और जीडी, इतने पदों के लिए जो है दोस्तों वो आपकी रैली की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है, चलिए ये जो डिटेल है मैं आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर बता चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपकी हाइट, चेस्ट, वेट जो है वो कितना होगा। ठीक है, ये वाली है जो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली, इसके लिए मैंने कल ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कौन सी ट्रेड के लिए आपके लिए कौन सी जो है वो कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कितने परसेंटेज मार्क्स की जरूरत है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लें। इसमें केवल दोस्तों एक ही चेंज है, बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस पहले की तरह है। पहले जीडी में एज जो है वो 17 से 21 साल लेते थे, लेकिन अभी उसको वन टाइम के लिए मतलब 2020-22 के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है कोविड के कारण। तो यहाँ पर जीडी की एज भी जो है वो 17 से 23 साल है, बाकी जो पहले होता था वही सेम आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे सभी पदों के लिए मांगी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में दिया भी गया है, द अपर एज लिमिट हैज बीन रिलैक्स्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 23 ईयर्स एज ए वन टाइम मेजर फॉर द रिक्रूटमेंट ईयर 2022-23। ठीक है, अब हाइट और वेट आप देख सकते हैं एज पर पॉलिसी। ठीक है, तो जो पहले था पॉलिसी हाइट और वेट की वही ली जाएगी, उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, जो पहले भर्ती होती थी जितनी हाइट, जैसे कि जीडी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट की जरूरत पड़ती थी, उसी हिसाब से आपका जो है वो लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, कैंडिडेट विल बी टेस्टेड एज स्टेटेड बिलो, आपके फिजिकल की, तो फिजिकल जो दोस्तों है आपका वही सेम 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी ग्रुप वन के लिए, जिसके लिए टाइम दिया गया है 5:30 तक, और ग्रुप सेकंड के लिए जिसके लिए टाइम दिया गया है 5:31 से 5:45 तक। तो मतलब 5:45 से पहले आपको अपनी 1600 मीटर की जो है वो रेस कंप्लीट करनी है। अगर आप ग्रुप वन में आएंगे तो आपको 60 नंबर और ग्रुप सेकेंड में आएंगे तो आपके लिए 48 नंबर दिए जाएंगे। रेस के बाद में आपकी होगी दोस्तों पुलअप्स, तो आप अगर 10 पुलअप्स मारते हैं तो आपको 40 नंबर, 9 पुलअप्स लगाएंगे तो आपको 33 नंबर, 8 पुलअप्स लगाएंगे तो आपको 27 नंबर, 7 पुलअप्स लगाएंगे तो 21 नंबर, और अगर आप 6 पुलअप लगाते हैं तो आपको स्नप में यानी कि पुलअप्स में 16 नंबर दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पर 10 पुलअप्स नहीं भी लगती हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप 6 पुलअप्स भी मारेंगे तो अभी आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद में 9 फीट डिच और जिग जैग बैलेंस पहले की तरह ही होगा, जो कि आपको नीड टू क्वालिफाई ओनली करना है। ठीक है, चलिए अब अगर इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हम उस पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है दोस्तों, वही सेम आपके सर्टिफिकेट्स होंगे, वही आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर एनसीसी है तो एनसीसी सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट है या फिर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, बाकी पूरे के पूरे वही सर्टिफिकेट आपके लगेंगे जो कि आप पहले अप्लाई करते थे।
तो जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएंगे, सॉरी स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।